स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज में। तो रायपुर से बड़ी खबर सामने आ है। रायपुर ब्रेकिंग, होटल हाईवे इन के पास तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से पुलिस ने किया नशीली टैबलेट जब्त। रायपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ आरोपी कमल नारायण साहू को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक थाना सिविल लाइन पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिविल लाइन क्षेत्रांतर्गत पुराना राजेंद्र नगर स्थित होटल हाईवे इन के पास एक व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली टैबलेट रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तारकेश्वर पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन वीरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा थाना प्रभारी सिविल लाइन सत्य प्रकाश तिवारी को आरोपी को प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ पकड़ने निर्देशित किया गया, जिस पर थाना प्रभारी सिविल लाइन के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए उक्त स्थान पर जाकर व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम कमल नारायण साहू निवासी भानसोज आरंग रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पैंट एवं पास रखे थैले की तलाशी लेने पर उसके पास पास TRANCAN+ नामक प्रतिबंधित नशीली टैबलेट रखा होना पाया गया। उक्त प्रतिबंधित नशीली टैबलेट रखने के संबंध में कमल नारायण साहू से वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर आरोपी कमल नारायण साहू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अलग अलग स्ट्रीट में रखे कुल 384 नग्स पास TRANCAN+ प्रतिबंधित नशीली टैबलेट जब्त किया।